Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Swati Gurung and let's start today's kitchen tour video. So guys, आज का vlog नहीं होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया था मैंने कि ये जो होगा मैं इसमें बताऊंगी अपना किचन टूर के बारे में. मैंने आप लोग किचन दिखाना था आप लोगों को. आप लोगों ने glimpse तो देखा ही होगा मेरे सारे vlogs में, but मैंने properly नहीं दिखाया था. तो अभी मैं बिल्कुल अपना बैकग्राउंड वही लेके खड़ी हो रखी हूँ, सो दैट आप लोग को आज मैं अच्छे से दिखा सकूँ. और क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करवाई है हमने, वैसे हमने सब कुछ ही चेंज करवाया है, पुराने वाले सारे फ्रिज और हमारा माइक्रोवेव को छोड़ के सिर्फ वो ही दोनों पुराने, अदरवाइज सब कुछ ही नया है इधर. सो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, मैंने आप लोग को बोला था कि मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में किचन टूर में, सो मैं अभी दिखाना शुरू करती हूँ. तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी क्यूट सा छोटू सा पैन. ये मैंने पिंक कलर का लिया है क्योंकि पिंक कलर मेरे किचन के साथ जाता है. और ये मैंने वैसे अंडा वंडा और सॉटे सब थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह सॉटे करने के लिए लिया है, क्योंकि जो हमारे पास था ना वो धो धो के आंटी ने उसके जूने से रगड़ रगड़ के उसका नॉनस्टिक ही उड़ा दिया है. कुछ नॉनस्टिक ही नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है उसमें, बस सब चीज़ चिपकता है उसमें तेल डाल के. भी लिया है ये कल जो हमने लिया है, ये ऑयल का ऑयल डिस्पेंसर है, ये क्या बोलते हैं उसे, ये दो लिया है हमने. और फिर इसके बाद हमने ये डस्टबिन भी लिया है छोटू सा, ये गोल वाला, क्योंकि उसमें लगाने के लिए अंदर किचन का वो फेंकने के लिए. और उसके साथ साथ मैंने लिया था ये चॉपर, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड तो ज़रूरी होता ही है. उसके साथ साथ यहाँ पे ये चार कप लिए थे टू टू के पैर, ये तो प्लेन वाले ही है क्योंकि मम्मी ने लिया है. ये तो मम्मी लोग चाय पीते हैं ना, तो उनको बड़े मग में चाय पीना होता है, तो हम लोग तो पीते नहीं है. सो ये वाले कलर मैंने चूज़ करा है, ये वाला ब्लैक वाला मम्मी ने. और ये ट्रे भी लिया है हमने क्योंकि, और फिर मैंने ये वो भी ले लिया सोप बार, सोप रखने के लिए क्या बोलते उसे. ये मेरे वॉशरूम का है वैसे, ये किचन का टू वो नहीं है, बट किचन का आई गेस इतना ही सामान है. अभी मैं फटाफट से आप लोगों को किचन टूर पे लेके चलती हूँ. सो लेट्स गो गाइज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल माई किचन. सो गाइज, मैं एंटर हो चुकी हूँ किचन में और अभी मैं आप लोग को शो क्या दिखाऊँ. पहले मैं सबसे पहले मैं इस कोने से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे सारे ही सामान रहते हैं और सबसे मेन चीजें रहते हैं जो भी मुझे खाना बनाने के टाइम पे यूज करने की जरूरत पड़ती है. सो ये है हमारा पेंट्री वाला एरिया. सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके ऊपर तो आप कवर्ड देख रहे होंगे वैसा टाइप का है, उसमें आप कुछ भी मतलब सामान रखने के लिए स्टोरेज टाइप का, ऊपर वाला सारा ही स्टोरेज टाइप का है. और ये हमारा पेंट्री है. सो इसमें पूरा जो हमने ये हैंडल्स लगवाए हैं ये पूरा हमने रोज गोल्ड कलर में लगवाया है, और रोज गोल्ड एंड गोल्ड राइट सब कुछ मैच करता है. सो हमारे किचन का आपको थीम समझ में आ गया होगा कि रोज गोल्ड गोल्ड ऐसा क्या बोलते उसे वैसा वाला कलर है. सो अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखा, अपने खजाने का पिटारा खोल के दिखाती हूँ. सो ये हमारे सारे ग्रोसरीज वगैरह है राइट, ये दिख रहा होगा आप लोगों को. हम लोग ने यहाँ पे ऐसे कंटेनर्स हमको और लेने हैं. अभी मैंने सिर्फ जो हम लोग अभी जो शॉपिंग करके आए थे रिलायंस, वो हम लोग ने ऐसे ही पॉलिथिन के साथ ही रख लिया है. सो ये हमारा वो वाला सेक्शन है जहाँ पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीछे तक भी. और यहाँ पे वो चीज़ें जो ईजिली मतलब बन जाए, जैसे कि पॉपकॉर्न, ये मूफली, ये टबल मैगी, ऐसी वाली चीज़ें ऊपर, ऐसी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं बट यू नो कभी कभार. और जो भी है वो तो यहाँ पे रख ही दिया है हमने, ठीक है. सो ये तो ये नॉर्मल चीज़ें है, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें, ओरिगैनो, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली यूज़ होता है. सो उसको हमने थोड़ा नीचे कंटेनर इस वाले नीचे वाले बॉक्सेस में इसलिए रखा है ताकि हमारा इजीली उसको पिक करके यूज़ कर लें. सो सारी चीज़ें ये हैं. सो पेंट्री आप लोग देख लो, ऐसा है हमारा. इसका ये भी पूरा ग्लास वाला लगवाया है हमने, ये एक्चुअली भैया ने अपने आप ही चूज करके लगवाया जिन्होंने बनवाया था. तो लास्ट में बताऊंगी कि ये पूरा किचन जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, इस पूरे किचन में मेरा कितना वो लगा है, बजट कितना लगा है, क्योंकि बजट ही है पूरा. उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड चीज में.
सो ये है मेरे पसंद का टैप, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था वहां पे। ये तो थोड़ा मैट फिनिश में, वो बिल्कुल ही शाइनी वाला फिनिश में था, सिल्वर कलर का वो। उसका डिजाइन थोड़ा सा ऐसे राउंड 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 टाइप का था, वो भी अच्छा था, बट मुझे सिल्वर नहीं चाहिए था क्योंकि सिल्वर हर जगह होता है और मुझे चाहिए था कुछ अलग सा। सो इस कलर का टैप लगाया हमने और इसी के साथ ये हमारा जो सिंक है, सिंक के साथ ही हमको टैप ये और ये फ्री मिला था और ये फ्री मिला था और ये हमने अलग से लगवाया है। ये है हमारा ग्लास रिंसर, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। I'm gonna take a glass. ये जो यहाँ पे होल्स हैं, थोड़ा पास आके दिखा दो, दिख रहा है? सो कुछ नहीं, उसमें से ऐसे पानी निकलता है, रिंस कर लिया, हो गया साफ। इसको यहाँ पे रख दिया थोड़ा देर के लिए, तब तक इसका पानी नहीं रख ड्रॉप पूरा और नीचे चला जाता, उसके बाद उसको दोबारा से यहाँ पे रख लिया शिफ्ट। ये हमारे जो डेली यूज होने वाले ग्लासेस है वो वाले हैं। ये डेकोरेशन कर रखा है और सबसे मेन चीज ये मैंने मंगाया था अपने किचन के लिए, ये पिंकिश है, रोज गोल्ड पिंक कुछ मतलब जाता है वो सब उसके साथ ना, तो इसलिए मैंने ये पूरा सेट मंगाया था। इसमें सब कुछ है और मुझे तो फिर मैंने ये मंगाया था अमेजोन से और बहुत सुंदर है ये। सो ये एक्चुअली भी डेकोर का भी काम कर रहा है, यूज होने से ज्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है डेकोरेशन का ही काम करेगा। सो ये यहाँ पे रख दिया है हमने। मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, हमने इस साइड में किचन लगाया है ऐसा, और सॉरी ये क्या बोलते से शटर, जाली वाला शटर तो ये ऐसे शटर पीछे हो जाता है। वो हमारा जो पुराना वाला था ऐसे वाला जो हर किसी के घर में होता है, वो हम लोगों ने निकलवा दिया एंड उसके ऊपर से ये वाला लगवा दिया क्योंकि ये नया आ रखा है। इससे क्या होता है कि ना पूरा जगह नहीं घेरता है। अगर यहाँ पे कुछ ये अलमीरा है राइट, इससे ऐसे करूंगी तो यहाँ पे भी वो स्पेस घेरेगा, इसलिए हमने वो वाला उखड़वा दिया। इधर पे भी खोलेंगे तो ये नलके की वजह से ये वाला खुलेगा नहीं, इसलिए वो वाले का खुलवा दिया हमने। सो ये वाला जो टैप है ना, इसमें आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, इसमें दो वो है, एक ऐसे वाला, इसको आप नीचे करके ऐसे ऐसे करके अपने सिंक को धो भी सकते हो, एंड एक नॉर्मल वाला जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सिंक धोने के लिए बहुत इजी है कि पानी लेके ऐसे ऐसे करना नहीं पड़ता, या किसी बर्तन में लेके ऐसे 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 डालना नहीं पड़ता, बस नीचे करा एंड साफ हो जाता है वो। सो गाइस सिंक वाला तो खत्म हो गया है, बता दिया आप लोग को, सब बता दिया। उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे क्या है। सो नीचे है ये। सो अभी मैं यहाँ जो डस्टबिन लेके आए थे हम लोग, तो यहाँ पे रखने के लिए ले गए थे। सो ये रहा डस्टबिन एंड यहाँ पे हमारा वो आरओ है, ये आरओ है, ये आजकल ऐसा वाला आरओ चलता है, हमारे गुड़गांव वाले घर में भी सेम ही आरओ है, इसका टैप ये होता है ऊपर, तो ये वाला है ठीक है, सिंपल है। उसके नीचे जो हमने वो बर्तन रखे हुए ना, वो पुराने बर्तन वगैरह है, कभी कभार जैसे यूज हो गया तो हो गया, अदरवाइज वो बस एक्स्ट्रा के लिए रखा हुआ है हमने, उसको इजी अवेलेबल, वरना हमें सबसे ऊपर जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, क्योंकि जो ऐसी चीज है हमने सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रखा हुआ है, तो इतना ऊपर नीचे करने से अच्छा दो चार जो छोटे छोटे बर्तन है जो एक्चुअली में यूज होंगे वो हमने इधर रख लिया है ठीक है। तुम इतने दूर से क्यों आ रहे हो, 0.5 में 1 में। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू दिस वाला एरिया, ये वाला एरिया। सो ये बस डेकोरेशन के लिए है, सबसे मेन चीज ये मम्मी ने बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है ये है ना। सो ये मम्मी ने बनाया है और ये एक्चुअली में हमने छोटा सा, इतना छोटा सा पौधा लिया था और इसको मम्मी ने पूरा यहाँ पे ये ना रॉड लगा दिया था, इसमें रॉड करके, और वो ऐसा लग रहा है कि टोकरी है बट ये बास्केट नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके रॉड घुसाया हुआ है मम्मी ने और ये इतना अच्छा बना दिया है, बढ़ के ना उसमें ही रोल होते हुए चला गया एंड इट लुक्स रियली नाइस, और इसको अच्छे से सन भी मिल रहा है और बिल्कुल सही स्पॉट में ये, और हमारे किचन के साथ भी मैच कर रहा है क्योंकि इसका जो पॉट है वो भी व्हाइट कलर का है। सो ये वाला जो आपको ये दिख रहा है क्या बोलते से टाइल, ये टाइल लाइट में थोड़ा सा शाइन करता है, अगर थोड़ा सा फ्लैश ऑन करके दिखा सकते हो तो दिखा दो, ये आप लोग को दिख रहा होगा ऐसा राइट यहाँ पे देखो। सो ये ऐसा ऐसा शाइन मारता है। अब जब मम्मी लोगों ने ये चूज करा था
तो वहाँ पे तो बहुत ही सारी लाइटिंग थी ऊपर से कि इतना शाइन कर रहा था ये गोल्डन कलर का। तो अब यहाँ पे लाइटिंग हमारी थोड़ी डिम है इसलिए इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। ऑरेंज लाइट है एक्चुअली यहाँ पे ना, व्हाइट लाइट होता तो और ज़्यादा दिखता। यहाँ पे थोड़ा सा येलोविश लाइट है हमारे किचन का। लो सो जो क्या बोलते हैं ये है ना स्लेब, ये भी स्लेब मैंने इसी टाइप के पैटर्न में बोला था भैया को, बट इस कलर में नहीं था। ब्लैक कलर में लगाते तो सेम लग जाता, बट इस वाले गोल्डन वाले पैटर्न में नहीं, नीचे वाला नहीं मिल रहा था। तो सो ये प्लेन ही अच्छा लगेगा बोला उन्होंने, तो प्लेन ही लगवा लिया। सो प्लेन ये तो नॉर्मल ही है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत लोगों के घर में। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे वो रख दिया है, यूज होने वाले चीजें जो गेस्ट आने पे यूज हो जाए और डेकोरेशन का भी काम करे। सो ये वाला सेक्शन ये है। और एक्चुअली मैं आप लोगों को मैं ये वाला सेक्शन तो दिखाना भूल गई, ये हमने ना बिल्कुल लास्ट में ऐड करवाया था ये दो, वैसे ये दो ग्लास, एक ग्लास रखने का ये पॉट रखने का, ये हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए लास्ट मिनट में मम्मी ने बोला कि यहाँ पे वो भी करवा दो। तो यहाँ पे हम लोग सजाने वजाने का सामान भी रख सकते हैं, पॉट वगैरह जैसे कि रखा हुआ ही है। सो ये हम लोग लास्ट मिनट पे करा था और ये बहुत सुंदर लग रहा है। इस कॉर्नर को थोड़ा सा स्पेस, मतलब स्पेस यूज हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, अदरवाइज खाली रहता है ये, बट ये स्पेस यूज हो रहा है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये वाले कंटेनर, इस वाले बॉक्स में हम लोग ये सब सामान रखते हैं, चीजें जो यूज होती है, बट इतनी भी यूज नहीं होती, कभी कभार यूज होती है। सो वो वाली चीजें हैं यहाँ पे, और मिक्सी के जार, ये मिक्सी है तो उसका जार वगैरह सब अंदर अंदर तक है। तो अब ये ऊपर वाला तो मैंने दिखा दिया, मैं नीचे आ जाती हूँ। अभी ये नया कुछ चला है, बहुत ही सुंदर है ये, मुझे तो ये नॉर्मल वाले में भी था, इसमें ना सॉफ्ट लॉक वाला भी था, बट मैंने सॉफ्ट लॉक वाला नहीं लगाया क्योंकि उसका कलर अच्छा नहीं था, वो थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल में था। दिस वन इज लकड़ी एंड इसमें हमने रखा हुआ है ये ऊपर वाला लहसुन अदरक के लिए है, मिडल वाले में है प्याज एंड सबसे लास्ट वाले हैं आलू। ये बहुत सुंदर है और पूरा इसका जो ये ऊपर वाला डिजाइन है ये जूट में है, ये जो साइड का बना हुआ है ये सिर्फ ये प्लास्टिक में है, अदरवाइज ये पूरा ही लकड़ी का है, ये जूट टाइप का है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है वो शीशम टाइप का, ये उसके उससे बेलों से भी बनता है ना डिजाइन, मुझे नहीं पता ये क्या का है। तो आपको मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखा रही हूँ हमारे किचन का, तो मुझे सबसे अच्छा लगा और बहुत ही इनोवेटिव भी लगा क्योंकि उससे हमारा कॉर्नर यूज हो रहा है, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे देखे हमने जो उसमें कॉर्नर ही नहीं यूज होता है। सो दिस ये आप लोग को दिख रहा होगा, बट ये खुलता कैसे, मैं आपको इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाती हूँ। पहले ये ऐसे खुलेगा, ठीक है, इसमें तो ये वाला पार्ट यूज हो रहा है। सो मैं आपको अंदर वाला पार्ट कैसे यूज होता है, ये ऐसे में खुलता है जेड, इसमें अंदर वाले साइड में भी सामान रख सकते हो। तो ये बहुत ही सही चीज लगा मुझे, ये जो भी था। सो बहुत ही इनोवेटिव चीज है और बहुत ही अच्छी है, और क्या बोलते हैं यूज हो रहा है एक्चुअली, हमारा कॉर्नर यूज हो रहा है, अदरवाइज कॉर्नर हमारा सामान निकालने के लिए ऐसे झुक झुक के निकालना पड़ता, अब मेरे लिए बहुत ही ईजी है। मैं खाना बनाते बनाते ऐसे करती हूँ, नती हूँ पीछे करा मैंने डाला एंड क्लोज। सो ये चीज मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ा है। सो बट ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये वाला है हमारा ऑयल कंटेनर्स रखने का, तो इसमें जो मैंने अभी अभी लेके आए थे ना हम लोग होम सेंटर से, तो वो भी मैंने रख दिया है यहाँ पे। मेरा ऑलिव ऑयल भी है, मेरा एप्पल साइडर विनेगर भी है, और बड़ा वाला जार भी है जिसमें जूस बनता है। और ये ऐसी चीजें रख दी है मम्मी ने जो मुझे इजीली मेरे हाथ में मिल जाए, जैसे मसालों के डब्बे ये मसालों के डब्बे, ठीक है, तो इसको रख देते हैं बंद। अब ये वाला हॉब हम, ये भी नया लगवाया है, और हमने चिमनी भी नया लगवाया क्योंकि हमारा चिमनी तो खराब हो गया था, गैस तो था बट गैस नॉर्मल वाला था, हॉब वाला नहीं था, तो हमने हॉब वाला लगवाया है ये वाला। सो इसमें ये हमको मतलब ऑलमोस्ट 30 का पड़ा है, मतलब 27 से 30 के बीच में। तो ये इतना एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसा टेक है कि अगर आप इसको ऑन भी छोड़ देते हो, ठीक है, और
क्या बोलते हैं गैस नहीं जल रहा है, गैस बुझ चुका है, तो उसका जो गैस का सप्लाई है ना वो अंदर से ही बंद हो जाता है, इसलिए हमने वाला लिया है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने दूध बैठा दिया तो वो दूध उबल के पूरा आग बुझा देता है, एंड उसके बाद अगर वो आग बुझ गया तो गैस तो लीक होता रहेगा ना, तो वो गैस लीक होना बंद हो जाता है, इसमें ऐसा टेक है, इसलिए हमने वाला लिया। सो आपको हॉब का भी बता दिया मैंने, और चिमनी भी हमारा नॉर्मल स्कैनर वाला है, जो भी होता है इसमें सेंसर लगा हुआ है ऑन, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं ऐसे करके, सी एंड नाउ क्लोज, 3, 2, 1 क्लोज, वेरी इजी। इसमें आपका तेल का दाग नहीं लगेगा अगर खाना बनाते बनाते चलाना है तो चला दिया, बंद करना है तो कर दिया, सो वेरी इजी। और इसका सर्विसिंग भी वो नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं हमें वो मिल रहा था, ये खुद ही अपने आप को वो करता है। इसमें उसने उन्हें बोला है कि आपको शायद से 4-5 साल में एक बार सर्विसिंग करानी पड़ेगी, तो 4-5 साल तो बहुत होता है। सो अभी हम लोग 4-5 साल की छुट्टी हो गई है इसको सफाई और सर्विसिंग कराने की। और हमने इसमें ये वाला पार्ट दिखाती हूँ, इसमें हमने ना एक गोल्डन कलर का ग्लास लगवाया है, ये हमारे किचन के कलर के साथ मैच कर रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है इसलिए हमने ये लगवाया। और फ्रेम तो हमारा वही है रोज गोल्ड वाला, तो यहाँ पे तो हमने वो वाली चीज़ें रखी हैं जो डेकोरेशन के काम आएगी और यूज़ भी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सी थ्रू है तो उसमें वही चीज़ रख सकता है, इस साइड और इस साइड, इस साइड ऐसा वाला है जैसे वहाँ पे ना वैसे ही सेम, और ऊपर ग्लासेस जो यूज़ भी हो जाए और डेकोरेशन के भी काम आ जाए, सब होम सेंटर वाले हैं। ये है हमारा जो चाची ने हमको दिया था, इसमें हमने चाय पत्ती और चीनी रखी है और यहाँ पे सारे स्पाइसेस वगैरह है जो चाय बनाने में एंड चटनी बनाने में यूज होता है, सो उसमें सारे और मोमो बनाने में जो भी स्पाइसेस यूज होती है वो सारी इसमें रखी हुई है हम लोगों ने, तो इसको भी यहाँ पे हमने साइड में सजा दिया है, और सजा वो अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ऑड नहीं लग रहा है। सो ये वाला है हमारा नॉर्मल कटलरी वाला, ठीक है, चम्मच ये वो सब कुछ ही है इसके अंदर। इस वाले में हमने रखा है बाउल्स, कटोरी, कप्स जो यूज हो रही है अभी फिलहाल के लिए, राइट, ग्लासेस, बाउल्स, ये सब चीजें यहाँ पे रखी हुई है हमने। एंड दिस वन इज फॉर प्लेट्स, स्मॉल प्लेट्स, बिग प्लेट्स, जो भी है। पीछे साइड हमने गेस्ट वाली रखी है जो कि कम यूज होती है, और आगे साइड जो है हमारे घर में यूज होने वाले हैं, तो पीछे साइड गेस्ट वाला है, इसमें इस साइड छोटे वाले में भी पीछे साइड गेस्ट वाला है, आगे वाला घर में यूज होने वाला है। एंड ये जो मैं अभी अभी लेके आई हूँ होम सेंटर से, तो वही है ये, तो यहाँ पे रख दिया मैंने। सो ये है हमारा मसाला वाला, क्या बोलते उसे, मसाला कंटेनर करने के लिए, क्या बोलते हैं, हाँ कैबिनेट मसाला रखने के लिए सब कुछ रखा हुआ है, बहुत इजी है, खाना बनाते बनाते खोला निकाला एंड देन दोबारा यहीं पे रख दिया, यहाँ पे सामान भी नहीं फैलता है। तो हमने फालतू चीज़ें कुछ नहीं रखी है, जो भी हमने इतने चीज इधर पे रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट बहुत ऐसी चीज़ें रखी है नीचे जो एक्चुअली में यूज़ होगी हमारे किचन में। एंड यहाँ पे हमने आटे चावल के लिए ये वाला है रखा हुआ, तो यहाँ पे ऑलरेडी चीनी का डब्बा है, अब इसके दिल पे एक और आटा का डब्बा भी आ जाएगा इतने ही बड़ा। अब मैं ऊपर का तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, सब के सब कंटेन क्या बोलते हैं कैबिनेट वो है जिसमें हम लोग सामान भर के रख सकते हैं जो अभी यूज नहीं होंगे, बट या यूज होते हैं कभी कभार, मतलब हमारे किचन का स्टोरेज रूम है वो ऊपर वाला पूरा। यहाँ पे भी, यहाँ पे वाला जो है ये भी स्टोरेज रूम, ये स्टोरेज रूम है बट ये ऐसे स्टोरेज रूम है जो हमको नॉर्मली यूज करना होता है, जैसे कि देखो परात, डब्बे, दूध का बर्तन एंड वो, सो ये सब चीजें यहाँ पे रखी हुई हमने। एंड दिस इज आवर फ्रिज जो कि हमारा पुराना है, बट ये हमारा कलर जो है इसका, ये हमारे पूरे थीम के साथ भी मैच कर रहा है, और
ये भी इसके लिए हमको स्पेस नहीं मिला, हमने वहां पे रखने के लिए सोचा था, बट वो क्या हो रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, ऑड वन आउट लग रहा है, सो इसको हमने इसको यहाँ पे रखा है। इसके लिए हम लोग यहाँ नीचे स्टूल लेंगे, तो जब तक नहीं है तब तक इस वाले से काम चला रहे हैं। एक ऐसा वाला इतना ही बड़ा स्टूल, स्टूल नहीं इन द सेंस कि एक ऐसा वो लेंगे, तो उसमें नीचे से भी आप सामान रख सकते हो और ऊपर इसके ऊपर ये आ जाए। सो बट ये अभी भी वैसे अभी काम चल रहा है इसमें, ऐसे भी काम चल रहा है। सो गाइज ये था मेरा किचन टूर। तो हम लोगों को इस किचन को बनाने में लगा है 5,10,000 rupees ओनली ओनली लगाना ज़रूरी है। सो मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों ने पूछा था कि आपको किचन में कितना लगा एंड ये वो सो, तो सब कुछ बता दिया मैंने। इसमें हमारा सब कुछ आ गया है, हमारा ये नया वाला सिंक आ गया है, टैप आ गया है, हब आ गया है, चिमनी आ गया है, एंड ये जितने भी जो अंदर आप लोगों को ये लगे हुए हैं ना हार्डवेयर, ये सब कुछ उसमें ही इंक्लूडेड है। हमारा इवन ये जो हम लोग ये शटर टाइप का बनाया है जाली वाला, ये भी इसी में इंक्लूडेड है, और जितनी भी चीज़ें हैं किचन में सब कुछ इसमें ही इंक्लूडेड है। और हमारा इवन जो तोड़ फोड़ का काम था पूरा, जो पूरा पहले वाला किचन तोड़ा है, उसके बाद पूरा उसका टाइल्स निकाला है एंड यहाँ का जो स्लेब था वो निकाला है, सब कुछ उनको ही दिया था हमने। तो ये मत सोचना कि सिर्फ किचन बनने में इतना एक्सपेंसिव, नहीं, उनका तोड़ फोड़ का भी काम उनका ही था, उसको रेनोवेट करने का काम भी उनका ही था, नया किचन बना के उसको फिट करने का काम भी उनका ही था। तो ये पूरा ही तोड़ के मरोड़ के पूरा ही क्या बोलते हैं रिसाइकल रीयूज वाला काम करके उसके बाद ये किचन रेडी हुआ है, और उसमें लगे हमारे 5,10,000 rupees। सो गाइज या अब हो गया है मेरा किचन टूर एंड, और ये वाला अगर आपको कैसा लगा हमारा किचन आप लोग बताना ज़रूर। मैंने आप लोग को लाइटिंग्स नहीं दिखाई, हमने ये लाइटिंग्स भी लगाई है नीचे नीचे नीचे, जिससे मैं यहाँ पे वीडियोस भी बनाऊंगी अगर कभी तो वो अच्छी लगेगी, राइट। अगर मैं कुकिंग वाला वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा, लाइटिंग्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ऐसा वाइट लाइटिंग है, इसमें थोड़ा येलोइश लाइट है तो ये आँखों में नहीं चुभता है, तो ये येलो टोन में है तो इससे क्या हो रहा है ना मेरे आँखों में नहीं चुभ रहा, बहुत ही सही है। सो अब ये किचन टूर आप लोगों को कैसा लगा, मेरा किचन कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलना बिल्कुल भी, एंड मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी गाइस। एंड अगर आपको और डिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए, जैसे कि उन्होंने टोल फोल्ड में कितना का पैसा लिया, किचन का, ये सब चीज़ें, ये आपका सिंक कितने का आया, हॉप कितने का आया, बला फलाना ढंका ना ये कितने का आया, ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैं उसमें आप लोग को सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी, एंड न्यू जो भी न्यू वीडियो आएगा उसमें मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। सो ये मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।